जंग बंदी खत्म होते ही सफाकियत, इसराइल की वहशियाना बमबारी, गजा फिर धमाकों से गूंज उठा। नसीरात और बोरेज पना गुजीन कैंपों के करीब बारूद की बारिश, 109 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। तुर्क टीवी का कैमरामैन भी शामिल। खान यूनस का इलाका खाली करने की वार्निंग, फजा से पर्चियां गिरा दी गई। हमास का भी मुंह तोड़ जवाब, इसराइली अहदाफ पर 107 मिजाइल दाग दिए। £190 मिलियन स्कैंडल में नैब रेफरेंस दायर। सरबरा तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फरा गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज और अली रियाज समेत 8 मुलजिम नामजद। शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। पीटीआई चेयरमैन तमाम मंसूबे से वाकिफ थे। सरबरा तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज से 458 कनाल अराजी ले रखी थी। साबिक वजीर आजम को फायदा देकर मलिक रियाज £171 मिलियन के अकेले बेनिफिशरी बन गए। रेफरेंस की कॉपी सामान्य हासिल कर। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार फिर ओहदा संभालेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन अवाम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का फिर दावा। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दुबई में डच हमनसब और MDIMF से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।